तो हेलो एवरीवन, आप लोगों को पता ही होगा कि मैं हूँ अभी राजा राम की नगरी ओरछा में। आप ये मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये छत्रभुज मंदिर है दोस्तों। यहाँ पर काफ़ी लोग घूमने के लिए आए हुए हैं, काफ़ी भीड़ है। पर यहाँ पे एक विदेशी वाले भैया दिखाई दे गए, इनसे मिलने के लिए और इनके साथ सेल्फी खींचने के लिए काफ़ी लंबी लंबी लाइन लगा के रखी हुई है लोगों ने। इसी मंदिर के सामने है किला जिसमें राजा रहा करते थे पहले। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि यह मंदिर पहले भगवान श्री राम के लिए ही बनवाया था, लेकिन क्या हुआ कि मुगलों ने इस पर आक्रमण किया था तो ये ध्वस्त हो गया था। इसके बाद इसका कार्य चल रहा था, तो क्या हुआ, यहाँ की रानी थी, उन्होंने भगवान राम को अपनी रसोई में बैठा दिया। फिर ऐसा माना जाता है जहाँ पर एक बार बैठ जाते हैं फिर वो खड़े नहीं होते, इसलिए रसोई को ही मंदिर बना दिया गया। अब इस छत्रभुज में भगवान विष्णु का मंदिर है। इस मंदिर में काफ़ी डिजाइनदार आकृतियाँ बनी हुई हैं और काफ़ी देखने और इसे देखने पर काफ़ी मजबूती दिखाई देती है इसमें। तो इस साइड चलने पर, इसके बाहर से देखने पर काफ़ी दूर दूर बने हुए छोटे छोटे मंदिर नज़र आते हैं। और इस मंदिर के ऊपर देखने से यहाँ के पास में जो नदी है बेतवा नदी दिखाई देती है। यहाँ पर राम को भगवान के रूप में नहीं बल्कि राजा के रूप में मानते हैं। और यहाँ की जो पुलिस सेना है वो भी सूर्योदय के पहले यहाँ पर बंदूकों से सलामी दी जाती है। काफ़ी बड़ा इतिहास है यहाँ ओरछा का और काफ़ी विदेशों से भी लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। हमने देखा काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर हमको दिखाई दिए, फॉरेन लोग। काफ़ी अच्छा है ओरछा, काफ़ी बहुत सी जगह है, काफ़ी जगह है यहाँ पर ओरछा में देखने के लिए। यहाँ पर दो प्राचीन पुल हैं जिसे सावन भादों के नाम से जाना जाता है। और भी जगह यहाँ घूमने के लिए जैसे हरदौल बैठका है, बेतवा नदी भी है यहाँ पे, उसका भी शानदार दृश्य, और छोटे मोटे बहुत सारे काफ़ी मंदिर है पूरी ओरछा के आसपास। तो अभी हम आए हैं फिलहाल किले पर। एक किले का दरवाज़ा देख पा रहे होंगे आप, एक नया दरवाज़ा लगा है, ये पुराने दरवाजे नहीं है। तो इसका टिकट 50 रुपये का है और जो बाहर के लोग आते हैं विदेशी लोग उनका टिकट काफ़ी महंगा है, 750 रुपये का टिकट है उनका, पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेला भी लगा हुआ है, तो आप यहाँ से काफ़ी प्राचीन मूर्तियाँ जो कि तांबे की बनी हुई हैं आप घर पर ले जा सकते हैं यादगार के लिए। बहकी सभी जुबां हैं, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है।